दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना बूटेबल डीवीडी कैसे बना सकते हैं, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे जिससे आप विंडो कंप्यूटर में चलाते हैं वो सीडी कैसेट कैसे जनरेट करते हैं यानी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये विंडो 7 का बूटेबल कैसेट है। इसी से हम एक दूसरे ब्लैंक कैसेट यहाँ पे मेरे पास है, इस कैसेट में इसका जो डेटा है बूटेबल ही मैं इस सीडी में राइट करूँगा। वो कैसे राइट करूँगा इस वीडियो को आपको अच्छे से बहुत बारीकी से देखना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप कैसेट बर्बाद कर देंगे, आपका डेटा तो इसमें चला जाएगा लेकिन वो बूटेबल नहीं बन पाएगा। तो उसे कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको एक जो आपका बूटेबल पहले से ऑलरेडी कैसेट है वो आपको चाहिए और एक ब्लैंक डीवीडी चाहिए। ये डीवीडी में ही बनता है। विंडो 7 चूँकि 4 GB का अप्रॉक्स फाइल होता है, 3.5 GB से ऊपर होता है, तो अप्रॉक्स 4 GB का होता है, तो आपको डीवीडी ही चाहिए इसके लिए। और मेरे पास डीवीडी राइटर पहले से था और मैंने इससे बनाया था, मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हुआ था क्या कि ये जो डीवीडी राइटर बहुत पुराना है, बहुत दिनों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसमें से तो डेटा जो है ब्लैंक कैसेट में राइट तो हो जाता है, लेकिन उसे जब मैं दोबारा लगाता हूँ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाने के लिए यानी कंप्यूटर को फॉर्मेट मारने के लिए, तो वो करप्ट दिखलाता है। तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल यहाँ पे डीवीडी राइटर लाया हूँ और इसकी मदद से आपको बताऊँगा कि कैसे अपना बूटेबल सीडी बना सकते हैं, सीडी से बूटेबल सीडी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ चाहिए था, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर क्या चाहिए। तो उसके लिए आपको न्यूरो चाहिए जिससे कि आपका डीवीडी कॉपी हो सके। तो मैं अपने कंप्यूटर में न्यूरो इंस्टॉल कर लिया हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे न्यूरो इंस्टॉल करते हैं तो मैंने इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ कि न्यूरो आप कैसे सेटअप चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में, वो मैंने बताया, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे है न्यूरो का जो सॉफ्टवेयर है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूरो एप्लीकेशन मैंने खोल लिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूरो का ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जब नया नया आप इंस्टॉल करेंगे तो ये डीवीडी और सीडी पे रहेगा। तो आपको सिर्फ डीवीडी बनाना है, डीवीडी का कैसेट क्रिएट करना है यानी उसे बर्न करना है, राइट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और डीवीडी पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब जो भी वर्क होगा वो डीवीडी के लिए ही होगा यानी डीवीडी का कैसेट ही आप इसे बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें जो भी डेटा है उस डेटा को ब्लैंक कैसेट में बर्न कर देना यानी कॉपी कर देना है। तो आपको बहुत सिंपल है, कोई भी आपके पास अगर बूटेबल कैसेट है तो उससे अगर बनाना चाहते हैं अपना एक और नया वाला बूटेबल अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैसेट यूज करते करते इसमें स्क्रैच आ जाता है और स्क्रैच जब ज़्यादा आ जाएगा ना तो ये काम नहीं करेगा फिर आप फ्यूचर के लिए यूज कीजिएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक डुप्लीकेट इसका सीडी बना रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना होगा, आपको सिंपली ऑप्शन खोजना है कॉपी डीवीडी, जहाँ जो कि आपको सब में मिल जाएगा, इसमें भी डेटा में भी है आपका, फेवरेट में भी आपका रहता है, ऑडियो में जाएगा, इसमें भी रहेगा, आपको सब में रहेगा। तो मैं आपका आ जाता हूँ फेवरेट में ही आ जाता हूँ या फिर डेटा पे ही आ जाता हूँ। डेटा पे मैं आ गया और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी डीवीडी। तो इसे क्लिक करने से पहले आपको जो बूटेबल कैसेट है उसे आपको, जो पहले से ऑलरेडी आपके पास बूटेबल है ब्लैंक नहीं, जो जिसमें आपका डाटा है उसे आपको डीवीडी राइटर में इंसर्ट कर देना है और इसे लगा देना है। और लगाने के बाद जब कैसेट पढ़ लेगा, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उससे देखने के लिए माई कंप्यूटर आपको खोलना होगा और यहाँ पे जो मेरा ड्राइव है इस डीवीडी राइटर का वो है H। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका लोगो आ जाएगा यानी ये कैसेट बड़ा हो जाएगा या फिर उसका बूटेबल का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बूटेबल का जो यहाँ पे है लोगो आ गया यानी ये बूटेबल कैसेट है। तो अब यहाँ पे आपको इसे मिनिमाइज कर देना है, वहाँ से मैंने देख लिया, और सिंपली आपको यहाँ डेटा में आ जाना है, कॉपी डीवीडी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको आना है और जो ड्राइव है आपका उसी ड्राइव को कॉपी करना है ना, सोर्स ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। एच ड्राइव है, अब ये कैसे पता चला कि एच ड्राइव ही है, तो आपको कंप्यूटर जो आपने खोला था यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जी ड्राइव है और ये एच ड्राइव है, इस पर आपको यहाँ से आपको देख लेना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एच को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसे कहाँ से राइट करना चाहते हैं। तो हम चाहे तो जी से भी राइट कर सकते हैं लेकिन जी तो मेरा ऑलरेडी पहले से ख़राब है, तो मैं इसी डीवीडी राइटर से राइट करूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एच वाले पे ही क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यानी इसमें जो डेटा है
ये कंप्यूटर अपने पास सेव कर लेगा और इसमें कुछ टाइमिंग लगेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा आपको इस डेटा को कंप्यूटर में कॉपी होने में। यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है, 14-15 सेकंड हो गया है और यहाँ पे 1% हो गया है। तो उसी अनुमान से आपको 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा, 20 सेकंड में 2% यहाँ पे हो गया। तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है जब तक कि ये डेटा कॉपी ना हो जाए। जैसे ही कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 4 मिनट का टाइम हुआ है और 44% यहाँ पे जो है डेटा कॉपी कर लिया है कंप्यूटर ने। तो यहाँ से मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूँ और आपको लास्ट में दिखलाता हूँ कि आगे क्या होता है। आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नहीं तो मिस किए आपका कैसेट गया पानी में, यानी कैसेट का पैसा बर्बाद। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बीच में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही स्टॉप करना है, ना ही क्लोज करना है, मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरे प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हैं। जैसे ही ये 100% हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा होने वाला है, ये कैसेट जो है, ये DVD राइटर है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप ब्लैंक कैसेट यहाँ पे इंसर्ट करिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप 100% हो गया और यहाँ पे आप देखते रहिए, देखिए लाइट फ्लैक्चुएट हुआ है और ये DVD राइटर अभी देखिए ओपन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ओपन हो जाएगा और आपको बीच में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इस कैसेट को आपको बाहर निकाल लेना है। ये है आपका डेटा वाला कैसेट और यहाँ पे मैंने रखा है ये ब्लैंक DVD। तो इसे क्या करना है आपको, सिंपली इस पर रख देना है और इसे इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इंसर्ट कर देना है और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा और आगे का जो राइटिंग प्रोसेस है, यानी इसमें कैसेट जो बर्न होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसेट नचना शायद स्टार्ट हो गया है, अंदर तो नहीं देख सकते हैं लेकिन ये नचना स्टार्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे एडिट करेगा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हट गया, मैंने कुछ नहीं किया, देखिए इतना जल्दी हो गया 4%, मात्र 3 से 4 सेकंड में 4% डेटा कॉपी हो गया। आप यहाँ पे देखिए ये है आपका सिस्टम का लोगो और ये आपका ब्लैंक कैसेट, इसमें से फाइल निकल के ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे भरना ये स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये 100% हो जाएगा आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका बूटेबल कैसेट तैयार हो जाएगा। तो तब तक मैं वेट करता हूँ और आपको लास्ट में दिखलाता हूँ। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, ये टाइम है किस टाइम में आपने क्या किया था और यहाँ पे इवेंट है। तो यहाँ पे 19:08 यानी 7:08 में आपने क्या किया था, क्रिएटिंग द इमेज फॉर वार्निंग, आपने इमेज क्रिएट किया था डिस्क का। उसके बाद यहाँ पे है 19:16 में क्रिएटिंग इमेज कंप्लीट, यानी इमेज जो है कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे जो वर्न करना स्टार्ट किया था, वर्न प्रोसेस स्टार्टेड यहाँ पे 19:17:31 पे ये काम स्टार्ट हो गया था, यानी जो ब्लैंक CD था उसमें डेटा राइट होने लगा था। तो जब तक जब कंप्लीट होगा तो उसका भी यहाँ पे आपको समरी दिख जाएगा। तो तब मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, आप इस वीडियो को देखते रहिए और कंप्लीट अंत तक बने रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कैसेट आपका गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपका ये भी है कि जब ये बर्न होता रहेगा तब आपको कैसेट का जो DVD राइटर का जो बटन है उसको आपको क्लिक कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको स्थिर छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरे प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं और फिर इसे वापस खोल कर देख सकते हैं कि कितना परसेंट हुआ है। इसके अलावा आप कुछ नहीं करना है, ना ही स्टॉप करना है, ना ही आपको DVD राइटर का बटन क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग कंप्लीट होने वाला है, यानी अगर हम टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे 17:05 हुआ है और इतना ही टाइम में मैंने इस CD का जो पुराना वाला CD था मेरा उसका डेटा भी मैंने कैप्चर कर लिया, यानी सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में और साथ में ये जो ब्लैंक कैसेट था उसमें लगभग राइट हो गया है, 99% यहाँ पे हो गया है और ये लगभग कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो इतना प्रोसेस आपको करना होगा जब आपको बूटेबल CD बनाना है, यानी बूटेबल DVD क्रिएट करना है। तो अब ये देखिए फाइनल प्रोसेस होने जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है, डेटा तो कॉपी हो गया है, अब यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यानी 0 से 100% देखिए कितना तेज़ी से भाग रहा है। ये दोबारा आपका 95% हो गया है, ये कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है और देखिए प्रोसेस होने के बाद फिर से प्रोसेस ले रहा है, ये कुछ अपना काम कर रहा है डेटा। तो यहाँ पे देखिए 100% हो चुका है और जैसे ही देखिए यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक आपका जो DVD राइटर है वो खुल गया है और उससे कैसेट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बर्न प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुल्ली
और यहाँ पे अब आप इसको ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और इस कैसेट को यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि आपका डीवीडी जो है राइट हुआ है कि नहीं, इसे देखने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है जिसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आँख से कैसे देखकर समझ सकते हैं कि ये कैसेट राइट है या ब्लैंक है। तो इसके लिए मैं अभी जो राइट किया हूँ उस कैसेट को हाथ में ले लिया हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक कैसेट है। तो जब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो कैमरामैन जी आपको यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसा जी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से इसलिए पूछा हूँ कि ताकि मुझे नहीं पता कि वीडियो में दिख रहा है कि नहीं वो चीज़। तो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा मूव करके दिखाऊंगा तो आपको शायद दिख जाए कभी तिरछा होने पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में कुछ छोटा हुआ पार्ट दिख रहा होगा आपको। और ये जो ब्लैंक कैसेट फुल्ली ब्लैंक है, और ये जो फुल्ली ब्लैंक कैसेट है इसमें देखिए आपको इस तरह का कोई भी रेखा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसमें देखिए दिख रहा है। तो ये इससे आप सिंपली अपने नंगे आँखों से भी देख कर समझ सकते हैं कि ये कैसेट जो है ब्लैंक है और इस कैसेट में डेटा है। कोई भी कैसेट में अगर डेटा रहेगा तो ये जो डेटा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसेट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको डेटा सेव करना है तो सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे ये आ गया न्यूरो एप्लीकेशन, तो इसे भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब ये जो मैंने कैसेट राइट किया हूँ ये ओरिजिनल में सही में राइट हुआ है कि नहीं हुआ है उसे कैसे चेक करेंगे, तो आपको इसे इंसर्ट कर देना होगा अपने डीवीडी राइटर में और यहाँ पे माई कंप्यूटर जो है खोल लेना होगा। और उसी तरह से मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आपको एक लोगो आ जाएगा विंडो का, जो आपका ड्राइवर रहेगा उसका लोगो आ जाएगा। अभी कैसेट जो है पढ़ने का काम कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, जैसे ही रीड कर लेगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोगो आ गया है, यानी आपका जो बूटेबल सीडी है डीवीडी ये बन गया है। तो इससे आप अपना कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन आपको है कि बूटेबल क्या होता है, तो बूटेबल वह सीडी होता है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट मार सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, डेटा करप्ट हो जाता है, तो इस तरह से आप कैसेट से फॉर्मेट मार सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे हर एक वीडियो तक पहुंचकर उस वीडियो को वॉच करते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और लास्ट में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू।